Hello viewers, myself is Anshuman Purohit and today we are studying trapezoidal method. जब line दोनों principal plane से inclined होगी तो उसे trapezoidal method से कैसे solve करेंगे हम आज हम ये सीखने वाले हैं. तो इसके लिए हमें एक problem की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो मैं सीधे problem नहीं लेता हूँ, given ले लेता हूँ. मान लीजिए हमें 5 data का कोई problem दिया है जिसके अंदर मुझे point A का line के end point A का address दिया है, line के end point B का address दिया है और distance between end projectors दिया हुआ है. ठीक है, तो ए का एड्रेस क्या दिया है, द पॉइंट ए इज़ 20 mm अबो एच पी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी. पॉइंट बी का, लाइन का जो दूसरा एंड पॉइंट है पॉइंट बी, उसका एड्रेस दिया है 40 mm अबो एच पी एंड 35 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी. और इसके अलावा जो पांचवा डेटा दिया है वो डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स दिया हुआ 60 mm. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम बनाना ट्रेपेजॉइडल मैथड से. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजल एक्स वाई लाइन खींचेंगे. ठीक है, फिर हम पॉइंट ए का जो एड्रेस है उसको हम लोकेट करेंगे. ठीक है, तो मैं एक्स वाई से 20 mm ऊपर आके ए डैश बनाऊंगा, ए का फ्रंट व्यू, और एक्स वाई से 25 mm नीचे आके स्मॉल ए बनाऊंगा, ए का टॉप व्यू. ठीक है, 20 mm ऊपर 25 mm नीचे आके बनाएंगे. फिर मुझे ए डैश और ए जो प्रोजेक्टर है उससे 60 mm की दूरी पर, 60 mm की दूरी पर बी डैश और बी का प्रोजेक्टर दे रखा है. तो मैं क्या करूँगा, एक्स वाई लाइन पर ए डैश और ए के प्रोजेक्टर से 60 mm दूर आके एक लाइन बनाऊंगा और फिर यहाँ से मैं बी डैश और बी बनाऊंगा. तो मुझे मालूम है बी डैश कितना ऊपर बनेगा एक्स वाई से, 40 mm ऊपर आके बनेगा बी डैश. एक्स वाई से 40 mm ऊपर आएंगे बी डैश बनेगा, एक्स वाई से 35 mm नीचे आएंगे तो स्मॉल बी बनेगा. ये सब जानने के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट सीखने के लिए आप मेरा पहला लेक्चर रेफर कर सकते हैं पॉइंट का, तो आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो मैंने बी डैश और बी बना लिया. ठीक है, 40 mm ऊपर आके मैंने बी डैश बनाया और 35 mm नीचे आके मैंने स्मॉल बी बनाया. और बी डैश और बी जो प्रोजेक्टर है, ए डैश और ए प्रोजेक्टर से कितनी दूरी पर है, 60 mm डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, तो ये हमें कौन सा एंगल मिलेगा, अल्फ़ा एंगल मिलेगा. ए डैश बी डैश को हम ज्वाइन करेंगे तो हमें अल्फ़ा एंगल मिलेगा. ठीक है, स्मॉल ए डैश स्मॉल बी डैश को ज्वाइन किया तो मुझे अल्फ़ा एंगल मिला जिसको हम फाइनल फ्रंट व्यू भी बुलाते हैं. ठीक है, उसी तरीके से मैं स्मॉल ए बी को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये हमें क्या मिल जाएगा, बीटा एंगल, फाइनल टॉप व्यू भी बोलते हैं. इसकी जानकारी के लिए भी आपको मेरे पुराने लेक्चर्स में जाना पड़ेगा, लाइन इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन का सेकेंड और थर्ड लेक्चर आपको समझना पड़ेगा, मेनली सेकेंड लेक्चर. ठीक है, तो ये मुझे कौन सा एंगल मिल गया, बीटा एंगल मिल गया. ठीक है, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अल्फ़ा एंगल की लाइन है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश जो लाइन है इसके ए डैश पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर बनाएंगे. ठीक है, उसके पहले मैं क्या करता हूँ कि ए डैश और ए का प्रोजेक्टर एक्स वाई को जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को मैं बना लेता हूँ. ए डैश और ए का जहाँ भी एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है प्रोजेक्टर एक पॉइंट बना लिया. बी डैश और बी जहाँ भी एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट बना लिया. इसे नाम दे दिया ए ज़ीरो, इसे नाम दे दिया बी ज़ीरो. ठीक है, अब मैं ए डैश से एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो उसके लिए मैंने डी रखा, 90 डिग्री पे पॉइंट सेट करा. अब यहाँ पे ए डैश से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा ए डैश बी डैश पे. इसकी लेंथ कितनी होगी, ए डैश से जो हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ए डैश से जो परपेंडिकुलर चलेगा उसकी लेंथ होगी ए ज़ीरो ए के बराबर, यानी कि 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी के बराबर. जो पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ वी पी दिया है उतना ही बड़ा डिस्टेंस यहाँ पे हम बनाने वाले हैं, ए ज़ीरो ए के बराबर. तो मैंने स्केल रखा ए ज़ीरो ए के बराबर, मैंने एक लाइन खींच ली और उसको मैंने पॉइंट को नाम के दिया कैपिटल ए डैश, उसको हमने नाम क्या दिया कैपिटल ए डैश. ए डैश बी डैश अल्फा एंगल पे जो लाइन है उस पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला और उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, कैपिटल ए डैश और स्मॉल ए डैश की लेंथ कितनी है, ए ज़ीरो ए के बराबर. उसी तरीके से मैं बी डैश से भी एक परपेंडिकुलर बनाने वाला हूँ. मैंने ये डी लगाया, 90 डिग्री पे पॉइंट सेट करा. ठीक है, और यहाँ से मैंने बी डैश कैपिटल बी डैश एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा. कैपिटल बी डैश और स्मॉल बी डैश की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, बी ज़ीरो स्मॉल बी के बराबर, दैट इज़ 35 mm, स्मॉल बी इन फ्रंट ऑफ वी पी के बराबर 35 mm के बराबर. मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा. ठीक है, तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा बी ज़ीरो बी के बराबर. अब मैं क्या करूँगा, ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारी क्या मिल गई, ट्रू लेंथ मिल गई. ये हमें क्या मिल गई, ट्रू लेंथ. इसके बाद मैं ए डैश बी डैश को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, जिस भी एंगल पे मुझे मिली उसी एंगल पे मैंने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और फिर मैंने स्मॉल ए डैश बी डैश को भी एक्सटेंड करा. ये दोनों लाइन को मैंने एक्सटेंड करा
और इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा, फाई एंगल होगा। क्या एंगल होगा वो याद रखेगा, फाई एंगल होगा, ये थीटा नहीं होगा, फाई होगा। अभी तक हमने सीखा था ये थीटा एंगल होता है, इसका रीज़न है वो आप मेरे एक्सप्लेनेशन लेक्चर में जाके समझ सकते हैं कि थीटा क्यों नहीं है, फाई क्यों है, और ये परपेंडिकुलर हमने ए ज़ीरो ए के बराबर और बी ज़ीरो बी के बराबर क्यों लिए। तो ए कैपिटल ए डैश और कैपिटल बी डैश को हमने एक्सटेंड करा, स्मॉल ए डैश स्मॉल बी डैश को एक्सटेंड कराया, दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो फाई, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद वर्टिकल प्लेन। ये दोनों लाइन ने जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इन लाइन ने इंटरसेक्ट करा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टिकल ट्रेस, वी टी, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, एक्स वाई लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं और वी टी से एक वर्टिकल लाइन एक्स वाई तक लेकर जाते हैं। तो वी टी से एक वर्टिकल लाइन एक्स वाई तक लेके जाते हैं, जहाँ भी ये वर्टिकल लाइन एक्स वाई को इंटरसेक्ट करेगी, ये आपका वी टी का टॉप व्यू स्मॉल वी बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, ए डैश बी डैश को एक्सटेंड करा, कैपिटल ए डैश बी डैश को एक्सटेंड करा, जहाँ भी दोनों ने इंटरसेक्ट करा वी टी, वी टी से हमने एक वर्टिकल लाइन बनी एक्स वाई तक, तो हमें वी मिल गया। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल फाई, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ वर्टिकल प्लेन। इसी प्रोसेस को हम नीचे दोहराने वाले हैं, ठीक है। ए डैश बी डैश हमारी ट्रू लेंथ, ठीक। मैंने यहाँ पे ए से एक परपेंडिकुलर डालने वाले हैं, स्मॉल ए से एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसकी लेंथ होगी ए ज़ीरो ए डैश के बराबर। तो मैंने यहाँ पे डी रखा, पॉइंट मार्क करा और यहाँ पे एक लाइन खींची, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, इस लाइन की लेंथ होगी ए ज़ीरो ए डैश के बराबर, मतलब कि पॉइंट ए कितना अबव एच पी है, तो ये 20 mm के बराबर होगा। ए ज़ीरो ये लेंथ कितनी होगी, 20 mm। स्मॉल ए कैपिटल ए की लेंथ कितनी होगी, ए ज़ीरो ए डैश के बराबर, दैट इज़ 20 mm। उसी तरीके से मैं बी से भी एक परपेंडिकुलर डालूँगा, स्मॉल बी से जो परपेंडिकुलर हम डालने वाले हैं, ये मैंने पॉइंट मार्क करा 90 degree का परपेंडिकुलर के लिए, और मैंने ये पॉइंट जो आएगा इसको बोलेंगे कैपिटल बी। तो स्मॉल बी कैपिटल बी के बीच की जो दूरी होगी वो बी ज़ीरो बी डैश के बराबर होगी। स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी कैपिटल कैपिटल बी स्मॉल बी के बीच में जो लेंथ है परपेंडिकुलर की, लेंथ होगी बी ज़ीरो बी डैश के बराबर, दैट इज़ 40 mm। 40 mm के बराबर ये लेंथ होगी, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। बी ज़ीरो बी डैश के बराबर हमने स्मॉल बी से परपेंडिकुलर डाला, स्मॉल ए से हमने ए ज़ीरो ए डैश के बराबर परपेंडिकुलर डाला, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये जो बीटा एंगल की लाइन है इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे। कैपिटल ए बी को हमने ज्वाइन करा, ये हमें ट्रू लेंथ मिल गई हॉरिजॉन्टल प्लेन में टॉप व्यू में, ठीक है, ये ट्रू लेंथ है हमारी। फिर हमने स्मॉल ए बी जो लाइन है बीटा एंगल पे, ए बी लाइन बीटा एंगल पे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो पीछे कहाँ मिलना चाहिए, वी पे मिलना चाहिए। हमने पीछे वाले लेक्चर्स में सुना था कि बीटा एंगल की लाइन को अगर हम रेफरेंस तक एक्सटेंड करें तो रेफरेंस कहाँ पे आके क्या मिलता है, रेफरेंस पे हमें वी मिलता है। तो ये आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि अगर आपकी बीटा एंगल वाली लाइन एक्स वाई पे मिलती है तो कहाँ मिलना चाहिए, वो वी पॉइंट पे मिलना चाहिए, मतलब आप सही बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैपिटल ए बी को भी मैं उसी एंगल पे एक्सटेंड करूँगा जिस एंगल पे वो हमारे पास आ चुकी है। तो ये भी कहीं ना कहीं स्मॉल ए बी को ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आएगा, दैट एंगल विल बी योर थीटा। तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, थीटा आएगा। स्मॉल ए बी और कैपिटल ए बी के बीच में जो एंगल आएगा वो थीटा आएगा। मैंने कैपिटल ए बी को पीछे एक्सटेंड करा, स्मॉल ए बी को पीछे एक्सटेंड करा, दोनों ने जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, इस पॉइंट को हमने बोला हॉरिजॉन्टल ट्रेस। इन दोनों लाइन के बीच के एंगल को क्या हमने बोला, थीटा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब एच टी से एक वर्टिकल एक्स वाई पर डालेंगे, जहाँ भी एक्स वाई को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, एच डैश। हमने पिछले वाले लेक्चर सुना था कि अल्फ़ा एंगल वाली लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें एक्स वाई तक तो कहाँ पे मिलता है, एच डैश मिलता है हमें। अल्फ़ा एंगल वाली लाइन को अगर हम एक्स वाई तक एक्सटेंड करें तो एक्स वाई पे हमें क्या पॉइंट मिलता है, एच डैश। तो यहाँ से हमारा चेक हो गया कि हमारा एच टी जो है सी उसी पॉइंट पे मिला है जहाँ पे ए डैश बी डैश एक्स वाई को आके मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस वेरीफिकेशन भी हो गया, जो कि अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे हो तो आप समझ जाएंगे कि एच डैश किस लाइन पर होता है, ए डैश बी डैश अल्फ़ा एंगल वाली लाइन पे। एच डैश किस पे होता है, अल्फ़ा एंगल लाइन पे। वी किस पे होता है, बीटा एंगल लाइन पे होता है। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया भाई, जैसे ही मैंने वर्टिकल ड्रॉप करी तो ये वर्टिकल कहाँ आके मिली, ए डैश बी डैश लाइन पे, और वो भी कहाँ, बिल्कुल एक्स वाई पे आके। तो ये हमारा एच डैश आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या करा, हमने स्मॉल ए डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जिसकी लेंथ कितनी थी, ए ज़ीरो ए के बराबर। ए ज़ीरो ए मतलब कि 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी के बराबर। फिर हमने बी डैश स्मॉल बी डैश से एक परपेंडिकुलर डाली किसके बराबर, बी ज़ीरो बी के बराबर, जो कि कितना था, 35 था, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने स्मॉल बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा जिसकी लेंथ कितनी थी, बी ज़ीरो बी डैश के बराबर। बी ज़ीरो बी डैश मतलब कितना,
40 mm इन अबव एच पी जो था। उसके बाद हमने क्या करा, स्मॉल ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, स्मॉल ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, उसकी लेंथ कितनी थी, ए ज़ीरो ए डैश के बराबर, ए ज़ीरो ए डैश के बराबर, दैट इज 20 mm अबव एच पी के बराबर। ठीक है, तो ये ट्रेपेज़ोइडल मेथड का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम हो गया। आपको ये याद रखना है कि ऊपर हमें फाई एंगल ही मिलेगा, नीचे हमें थीटा एंगल मिलेगा, ये दोनों लाइन ऊपर वाली जो फ्रंट व्यू की लाइन जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वी टी मिलेगा, टॉप व्यू की दोनों लाइन जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एच टी मिलेगा, वी पॉइंट जो है वो बीटा एंगल वाली लाइन पर आना चाहिए, एच डैश पॉइंट अल्फा एंगल वाली लाइन पर आना चाहिए एक्स वाई के ऊपर, ये हमें पहले से पता है। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, आई एम श्योर यू विल लाइक द इन्फॉर्मेशन गिवन इन माई लेक्चर। तो आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें सारे नॉलेज सीकर्स में जो आपके कॉन्टेक्ट्स में, वाया सोशल मीडिया और वाया एनी मीन्स, और प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें इसी तरह के एक्साइटिंग वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर शोइंग सो मच ऑफ पेशेंस, थैंक यू सो मच।